आपने कहा सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे, इसका जवाब ले लीजिए। क्या आप इसलिए ये पूछ रहे हैं कि सोनार बांग्ला बन चुका है पहले से, इसलिए आप नहीं बन सकता, या आप समझते हैं बन ही नहीं सकता? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अजय, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। ठीक है। देखिए, बादल देवनाथ जी ने पूछा कि सोनार बंगला कैसे बनाएंगे, मतलब एक तरफ से ये एक एक्सेप्टेंस है कि सोनार बंगला बनाने में ममता बनर्जी नाकाम रही है, वो अनसक्सेसफुल रही है, इसलिए इनका आशा है कि बादल जी आप तो अच्छे आदमी हैं। बादल जी, आप तो बीच में कभी नहीं बोलते हैं। देखिए बादल जी, आपने खुद कहा कि आप सोनार बंगला का रोड मैप दीजिए, और ये दूसरी बार आपने पूछा, इसका अर्थ यह है कि सोनार बंगला बनाने में असक्षम रही हैं दीदी, ममता जी नहीं बना पाई हैं। कैसे बनेगा सोनार बंगला? देखिए, परिवर्तन से बनेगा सोनार बंगला, वो सोनार बंगला जहां वायलेंस नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी राज्य का सोने का बनने का, कि वहां किसी प्रकार का वायलेंस ना हो, वहां फ्रीडम हो। बंगाल में आज ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, आप देखिए किस प्रकार का वायलेंस है, इसका भी आंकड़े मैं आपको दूंगा। दूसरी बात है सोनार बंगला बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना कितना महत्वपूर्ण है, कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सोनार बंगला के लिए आपको इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट कर करके बुलाना पड़ेगा बंगाल के अंदर। दीदी तो इन्वेस्टमेंट करने देती नहीं है। तो एक लाइन में जवाब आपके जवाब का क्रक्स मैं दे देता हूं संबित साहब, उसके फौरन बाद आपके पास आता हूं, कि आपको तो पता ही नहीं था सोनार बंगला बनाना कैसे है, इसलिए पूछा जा रहा है। बादल देवनाथ जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लोग सोच रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनेगा कैसे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।